हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो मेनली सुपर मीटियोर की असेंशियल एक्सेसरीज प्लस कुछ ऑप्शनल एक्सेसरीज के बारे में है। सबसे पहले असेंशियल एक्सेसरी है ये माता की चुन्नी, जो आपकी मम्मी से आप पूछिए वो आपको दे देंगी। इसके बिना बाइक कहीं भी ले जाना इज़ एक्चुअली ए क्राइम। एंड आफ्टर दैट सेकेंड एक्सेसरी है ये बेंडिडो स्पिट स्टॉप का मैंने ग्रिल लिया है। और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में बट ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ, इसमें एक फ्लॉ है, जो इसके वॉशर्स दिए थे रबर के वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ने स्पेयर में दो तीन वॉशर्स और देने चाहिए थे। एंड द सेकेंड एक्सेसरी इज़ ये रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल विंडस्क्रीन। इसकी डायनेमिक्स बहुत ही अच्छे हैं, लाइक अगर आपकी हाइट 5'8" के आसपास है देन आपको कोई एक्सटेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इफ़ योर हाइट इज़ अबाव 5'10" तो शायद आपको एक्सटेंडर लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बफिंग होती है। थर्ड एक्सेसरी इज़ ये ग्रिल, जो मैंने बेंडिडो स्पिट स्टॉप से ही लिए। अगेन बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है, लेज़र कटिंग है एंड लुक्स वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। फोर्थ एक्सेसरी इज़ RE टूरिंग फुटबैग। ये एक असेंशियल एक्सेसरी है मस्ट से। इससे राइडिंग प्लेजर अलग ही लेवल पर चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाती है बाइक। एंड द फिफ्थ एक्सेसरी इज़ लेग गार्ड, जो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का है। ये कुछ 4500 का मुझे पड़ा। इसकी फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है एंड जो इसका पेंट है वो एक्चुअली बाइक के पेंट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है, जो कोई और लेग गार्ड ऑफर नहीं करता। इसके अलावा बाइकोलॉजी का एक लेग गार्ड आता है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बट वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगा। एंड ये एक्सेसरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये जाना का बैक रेस्ट है, इससे बिल्कुल भी मुझे बैक पेन नहीं हुआ। मैंने कुछ 4000 किलोमीटर की राइड करी थी। एंड हाँ, उसके अलावा ये रैक मैंने लिया था जाना का ही, जस्ट फॉर द फैक्ट दैट कि जब पैनियर्स अगर मैं लगवाऊंगा रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल, तो उसमें डिज़ाइन में कहीं पे भी ये अटकेगा नहीं। एंड जो मेरा डिज़ाइन मेरे माइंड में है उसमें पैनियर्स रहेंगे प्लस ये बैक रेस्ट रहेगा। एंड हाँ, लॉन्ग राइड्स के लिए ये रैक बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर आप कोई भी लाइक वाइटारा का एक बैग है मेरे पास, जिसमें आप आराम से 20 डेज़ का सामान लेके जा सकते हैं, वो आराम से लग जाता है। एंड उसके अलावा जो ये बैक का लुक है, ये मुझे इस बाइक का बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक्सेसरीज लगवाने के बाद ये एक्चुअली मुझे वो ओल्ड स्कूल वाले फाइटर जेट्स की याद दिलाता है। बाइक कुछ कुछ पीछे से वैसी लगती है। एंड हाँ, इसके अलावा जैसे ही ये आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो में क्या है, यही बैक रेस्ट मैंने यूज़ किया हुआ है, यही रैक यूज़ किया हुआ है। इसमें एक लगभग 20 डेज़ की ट्रिप का मेरे पास लगेज है, जो मैंने आराम से लगाया है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। एंड इसके अलावा आप एक और एक्सेसरी देखिए, ये भी एक मैंडेटरी एक्सेसरी है। ये बाइकोलॉजी का रियर ब्रेक सिलेंडर का कवर है, जो इस सिलेंडर को कवर करता है एंड थोड़ा लुक्स को इन्हेंस करता है। अब आप ये सारी एक्सेसरीज़ के साथ फुली लोडेड बाइक को देखिए कैसी लगती है। ये पर्सनल मेरा टेस्ट है, किसी और का टेस्ट उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे पर्सनली एट प्रेजेंट ये बाइक इस लुक में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा करा हुआ है। कलर वाइज मेरे को एस्ट्रल ब्लैक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक मेरा फेवरेट कलर है। और हाँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, किसी और की कुछ और भी हो सकती है। बिकॉज ब्लैक कलर को आप एज ए चॉपर भी यूज़ कर सकते हो, एज ए बॉबर भी बना सकते हैं एंड पैनर्स लगाने के बाद एज ए क्रूज़र भी बन सकती है। ऑन द अदर हैंड, जो इनके ऑलरेडी क्रूज़र वेरिएंट वाले टॉप एंड वाले कलर्स हैं, वो एज अ बॉबर अच्छे नहीं लगेंगे। प्लस इसके अलावा इनके जो बाकी कलर्स हैं वो एज ए क्रूज़र अच्छे नहीं लगेंगे। सो ब्लैक ही एक ऐसा कलर है जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे बाइकोलॉजी का बैटरिंग और पैनल्स मुझे बहुत पसंद है। ऑटो इंजीनियर का सीसी बार बहुत अच्छा आता है। बेंडिडो स्पिट स्टॉप के तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ये बहुत अच्छी है। एंड जाना के मस्ट से ये बैक रेस्ट और रैक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अलावा मस्ट हैव एक्सेसरीज है जो आपको लेनी ही लेनी चाहिए, वो है RE के फुट पैग्स, लेग गार्ड्स, विंडशील्ड और सिलेंडर कवर फ्रॉम द बाइकोलॉजी। एंड हाँ, अगर RE पैनियर्स लॉन्च करता है तो वो भी मस्ट है। इसके बाद मूविंग ऑन टू द एक्सेसरीज दैट माइट हेल्प यू टू रिड्यूस बैक पेन। देखिए, अगर आप क्रूज़र चला रहे हो तो नेचुरली आपका आर्क आएगा बैक पे, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रूज़र। सो ऑन ए वेरी गुड रोड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। बट इशू आता है अगर कोई सडन बम्प आ जाए या फिर ओवरऑल रोड ही बम्पी हो, तो सडन बम्प वाला इशू ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें आप पहले ही ऑलरेडी बहुत रिलैक्स्ड हो और एक कर्व्ड एंगल आपने बना रखा है। एंड उस वक्त अगर कोई झटका आता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है बैक के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे ही कोई बम्प आता है तो ट्राई करिए कि एकदम आप नॉर्मल अपराइट पोजीशन में आ जाइए, इससे पहले वो बम्प आए। हाँ, वो बम्प आएगा बट आपकी बॉडी अपराइट होनी चाहिए और कर्व्ड में नहीं होनी चाहिए, देन आपको कोई इशू नहीं आएगा।
इसके अलावा अगर रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो आप थोड़ा सा आप खड़े हो सकते हो बाइक पे। जैसे मैंने अपनी माउंटेन राइड पे किया था ऑलरेडी, मतलब आप मान के चलिए बहुत बेकार रोड आ गया था, बहुत ही बेकार पैचेस थे, तो मैं बीच बीच में जब ज़्यादा ही तगड़े बम्प्स थे तो उनमें मैं हल्का सा खड़ा हो गया था टू सेव माई बैक। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी तो हाँ, मुझे बैक में ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है कि सडन जो बम्प आएगा उस वक्त अगर आपका आर्क है बैक, तो आपको इशू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू। सी आई थिंक ये बाइक 5'10" to 6' वाले के लिए परफेक्ट है, उसे कुछ भी इसमें चेंज नहीं करवाना। हाँ, अगर आपकी हाइट 5'10" से कम है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक, या तो आप मिनी एप्स लगा लीजिए 12 इंच वाले, या फिर आप राइजर्स लगा सकते हैं जिससे आपका जो हैंडल है थोड़ा सा बैकवर्ड पोजीशन पे आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2 इंच। सो ऑटोमेटिकली आपका जो राइडिंग एंगल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली बैक के इश्यूज आने आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो कर्व्ड एंगल है वो उसकी जगह आप अपराइट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। सो प्लीज़ आप ये ट्राई करके देखिए एंड डू लेट मी नो। गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। एंड हाँ, मेरे माइंड में दो फ्यूचर एक्सेसरीज हैं जो मैं चाहूँगा इस बाइक में आए। एक तो मैं मिनी एप्स लगवाना चाहूँगा विद बैक सेसी बार, एंड इसको सॉर्ट ऑफ बॉबर वाला लुक देना चाहूँगा, और यू कैन से चॉपर वाला लुक। एंड सेकेंड इज़ जो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड के पेनियर्स हैं, अगर वो लॉन्च करते हैं तो उन्हें लगवा के एक प्रॉपर बैगर वाला लुक, जिसमें शायद मैं बैट विंग भी ले लूँ बाइकोलॉजी की। सो ये दो लुक है मेरे माइंड में जो मैं फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट करूँगा। फेयरिंग में मुझे दो डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे, एक तो बाइकोलॉजी की ये बैट विंग, एंड एक ये इम्पोर्टेड डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा। ये दोनों ही एक्चुअली हार्ले की कॉपी है एंड हार्ले के दो मॉडल्स में इस तरीके के डिज़ाइन आते हैं। उसके अलावा अगर आप सीसी बार देखोगे तो ऑटो इंजिना के सबसे बेस्ट सीसी बार लगा मुझे। बैंडिडो स्पिट स्टॉप के सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, यूनिक हैं, कोई कॉपी नहीं है, एंड आप ब्लाइंडली इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं अगर आपको ये डिज़ाइन सेगमेंट अच्छा लगता है। मूविंग फॉरवर्ड, आइडिया एक ब्रांड है, ये भी काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो अगेन, आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।